ग्रामीणों ने रास्ते में अवैध कब्जे को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी कार्यालय पर आज ग्रामीणों ने जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि दबंगों द्वारा जो अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया गया है उसे मुक्त कराया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि तहसील थाने स्तर पर कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीण सदर तहसील के राजकुमार पुरवा के रहने वाले हैं और ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात की और पूरे मामले की शिकायत की है। जिलाधिकारी रविश गुप्ता ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम को पूरे मामले में जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। यहाँ हमने ज्ञापन दिया है, 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किस मामले में? हमारे जो रास्ते के मामले में जो चेक मार्ग है वो दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिस कारण हम लोगों ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन भी दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हम लोगों ने तहसील में भी दिए हैं, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोतवाली में भी दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई। एक थाना कोतवाली नगर का है, ग्राम राजकुमार का पुरवा, पोस्ट ढकवा, जिला सुल्तानपुर का मामला है। आश्वासन देते हैं कि यहाँ कार्रवाई की जाएगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों ने यहाँ चक्कर पे चक्कर काट कर रखा है, अभी तक कोई भी अधिकारी न नेपाल न कानून को कोई आया नहीं है चेक करने के लिए। हम लोग गरीब आदमी हैं। पूछा गया उनसे, कहीं प्राइवेट भूमि से तो नहीं जा रहे थे, उन्होंने बताया नहीं चेक मार्ग। एसडीएम साहब को कहा गया, अभी संयुक्त टीम उसमें तत्काल हुई है, अतिक्रमण हटा।